गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे दिखो रहा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ मधुर लाइफस्टाइल में। अभी मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का टाइम है एकदम से बहुत। देखिए अभी ना 6:15 के आसपास का टाइम है और इतना ठंडा मौसम लग रहा है और भगवान की आरती की आवाज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो अभी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे जाना है कोमल भाभी के साथ माता रानी के टेम्पल पे और हेमल को भी जल्दी जल्दी से जगा देते हैं। सो गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी ना सुबह के बजे है, आई थिंक 7:15 के आसपास हुआ है टाइम। देखिए 7:15 हुई है और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी कोमल भाभी आ रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं रांदलमा के टेम्पल पे बिकॉज आज माता जी का जागरण होता है तो वहां पर प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं। और आज के दिन ही वो जो प्रसाद हम लोगों ने माता रानी के लिए जो वहां पे वेडिंग हॉल पे बनाया था ना, उसकी सेलिंग भी होती है तो वहां से हम लोग प्रसादी लेंगे और उसके बाद जाएंगे अलग अलग 2-3 जगहों पे। हम लोग रांदलमा के टेम्पल पे जाते हैं, अब देखते हैं जहाँ पे कैमरा अलाउड होगा वहां के दर्शन आप लोगों को जरूर से करवाऊंगी बिकॉज मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं है। सो जहाँ पे होगा वहां के आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। सो चलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हेमल फ्रेश होने को गए हैं तो जल्दी जल्दी से जब कोमल भाभी आएंगे तो हम लोग चलते हैं माता रानी के टेम्पल पे। चलिए गाइस तो कोमल भाभी आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी के टेम्पल पे। जय श्री कृष्ण कोमल भाभी। देखिए कोमल भाभी भी साड़ी पहन के रेडी और मैंने भी साड़ी पहनी है। सो चलिए चलते हैं हम लोग माता रानी के टेम्पल पे। चलिए तो सबसे पहले हमारी कुलदेवी माँ के वेरावरी माँ के टेम्पल पे आए हैं, सो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। कुलदेवी माँ के टेम्पल से हम लोग निकल गए हैं, अब यहाँ पे रांदल माँ के टेम्पल पे दर्शन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया गया है बिकॉज रात के टाइम को ना यहाँ पे सब गरबा खेलते हैं। चलिए तो अभी यहाँ पे हम लोग जो बड़ी रांदलमा है वहाँ पे पहुँच गए हैं उसके टेम्पल पे, बट यहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं है मुझे पता है तो यहाँ के दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करवा सकती। सो चलिए अभी हम लोग दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रसादी चढ़ा देते हैं। गाइस तो यहाँ पे रांदल माँ के दर्शन अच्छी तरह से हम लोगों ने कर दिए है, प्रसादी भी चढ़ा दी है, अब चलते हैं दूसरी रांदल माँ के टेम्पल। यहाँ पे रांदल माँ के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए हैं, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे वो थेपला की सेलिंग होती है ना वहाँ पे, और हमल यहाँ पे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग हमल, जय श्री कृष्ण। आ गए रेडी होकर, मैं तो हेमल से पहले निकल गई थी घर से। चलिए तो यहाँ पे रामदेव पे पापा का टेम्पल है, यस हम लोगो ने कर लिए दर्शन। चलिए तो यहाँ रामदेव पे पापा के दर्शन भी कर लेते हैं हम लोग। रांदलमा के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग वापस से हमारे घर पे। Oh,
चलिए तो अब यहाँ पे ना हमारे घर के पास जो रांदल माँ का टेम्पल है, कब से कमेंट आ रही थी तो आज उसके भी दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। चलिए अब चलते हैं हम लोग। हे गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ वापस से घर पे। और हाँ, लास्ट में मैंने जो आप लोगों को टेम्पल के दर्शन करवाए ना रांदल माँ के, वो ना हमारे घर के पास है। वहां से सीधा मैं घर पे ही आई हूँ, हम लोग दूसरी जगह पे कहीं नहीं गए। बिकॉज क्या है ना कि सब जगहों पे जाने के बाद लास्ट में ही हम लोग यहाँ पे रांदल माँ के टेम्पल पे गए थे। और कब से ना कमेंट आई थी मुझे, इंस्टा पे भी मैसेज आया था कि आपके घर के पास जो रांदल माँ का टेम्पल है वहां के दर्शन करवाए। सो मैंने आज वो भी आप लोगों को दर्शन करवाए। और इतने प्यारे रांदल माँ थे कि क्या बात करें। हर जगह पे ना माता रानी के दर्शन करके इतना अच्छा मन को लगता है। और आज का दिन तो जैसे बहुत अच्छा हो गया, सुबह सुबह माता रानी के दर्शन हो गए। सो चलिए अभी घर पे वापिस आ गई हूँ। अभी ना 9:30 हुए है सुबह के, और अभी जो कुछ भी डेली रूटीन होता है वो करूंगी। हेमल तो गए हैं वहां पे जहाँ पे उत्ते प्ले की सेलिंग हो रही है, तो आज हेमल तो पूरा दिन वहीं पे रहेंगे। चलिए अभी थोड़ी ही देर में मैं दोपहर के लंच की तैयारी करूंगी। चलिए तो मेरा लंच बन के रेडी हो गया है। सो हम लोग लंच करने बैठ गए हैं, तो दिखा देती हूँ कि लंच में आज क्या क्या बनाया है। देखिए एकदम से यहाँ पे प्लेट मेरी रेडी है। और देखिए टमाटर को मैंने चॉप ही नहीं किया है, अब बाद में करूंगी। और आज ना मैंने बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई है बाजरे के रोटले के साथ। और यहाँ पे है दाल और चावल और बटर मिल्क और कर्ड। बस यही सिंपल सा खाना बनाया है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग हमारा लंच कर लेते हैं। हे गाइस, तो अभी हो गई है दोपहर, और हेमल ना दोपहर को लंच करने आए थे, फिर चली चली से हम लोगों ने लंच किया। और अभी दोपहर के 4 बजे हैं, और वापस से रेडी होके जा रहे हैं हेमल जहाँ पे थेपले सेलिंग हो रहे हैं वहाँ पे। और अमन यहाँ पे आ गया है। हाय अमन। अब ना 2 दिन यहाँ पे सब गरबा खेलेंगे और सब कुछ होता है, तो अमन नानी के घर पे रुका है इसलिए यहाँ पे आया था थोड़ी देर। और हेमल अब कहाँ जा रहे हैं? अभी तुमने तो बोला। अरे मैंने बोला, बट वहीं पे जा रहे हैं ना, ऐसा आप पूछ रहे हैं कि आप वहीं जाएंगे ना। अमन तुम कहाँ जाने वाले हो? तो क्या करोगे? कुछ नहीं, घर पे। घर पे किसके? सोडा पीने के लिए आया है। सोडा? हाँ, ये सोडा की बोतल है ना, उसका ये ढक्कन खुल ही नहीं रहा है। ये क्या किया है तुमने ढक्कन का? से खुला, मैंने नहीं खोला, मैंने ऐसा किया तो हो गया, खुल ही नहीं रहा है। तो मैंने एक चैलेंज दिया है कि अगर जो ये बोतल खोल देगा ना, उसे मैं 100 रूपए दूंगी। वाह क्या सीन है। क्या वो झूठ है? वो झूठ है, वो झूठ है, झूठ है। चलिए अब देखते हैं कौन खोल पाता है। ऐसे नहीं करते रिच। वो चली गई है। क्या खोलो? चलिए खोलिए, तुम खोलो, मुझसे तो खुलेगा ही नहीं। चलो मैं और अमन की सर, ठीक है? मैं और तुम्हारी बारी। हाँ देखो, मेरी बारी सबसे पहले, फिर अमन की बारी। जो ये खोल देगा ना, उसे हम 100 रूपए देंगे। हमें तो मैं क्यों सोचते टेन नाइन सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अभी नहीं तुम खोल सकते। अमन से भी नहीं खुलेगा, बिकॉज अमन ने पहले ही ट्राई कर ली है। पहले ही ट्राई कर ली, अमन के लिए ही थी वो सोडा। क्या? अमन के लिए ही वो सोडा हमें लेके आई थी फ्रिज में से, पर वो बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है। किसने बंद किया? तो पहले ही खोल के ट्राई कर लिया, वो तो मैंने बोला कि चलो चैलेंज करते हैं। अब किया ये बंद हेमल ने है, तो हेमल ही खोल के देंगे। खोलिए, चलिए। अब मैं, मेरे से भी नहीं खुलेगा तो क्या करूँगा? तो वो बोतल को तोड़ के निकाल लेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखिए हेमल से नहीं खुल रहा है तो हम कैसे खोल सकते हैं? वो ना ये पूरा हाथों में बैठ रहा है, ये देखिए ना ऐसे कैसा। खोलिए खोलिए, क्यों खोलिए? बहुत पैक किया था ना, आप खोलिए। जब बोला कि थोड़ा वो मीडियम बंद कीजिए तो किया नहीं। क्यों अमन, अब खुल नहीं रहा है तो 100 रूपए देंगे ना? 100 रूपए अगर हेमल से नहीं खुला है तो हम दोनों को 100 रूपए मिलेंगे। चलिए आज पार्टी हो जाएगी हमारी। तो उससे अच्छा है कि नई बोतल ला के दे दो। नहीं, नई बोतल नहीं चाहिए, हमें यही सोडा पीनी है, इसी वाली, और 100 रूपए भी चाहिए। देखिए अब ये खुलेगा ही नहीं। अभी ना ऐसा मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ वो पकड़ दे, पकड़ थोड़ी, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक तो मुझे पता भी नहीं है उसका अच्छी तरह से। वो होगा मन बोलेगा पत्थर, दीवार पे पछाड़ दीजिए, ऐसा कीजिए। ये ना स्लिप हो जा रहा है। हाँ मेरे हाथ में एकदम से वो बहुत हो रहा है, जलन हो रही है। देखिए अब ये ऐसे कपड़ा रख के खोल रहे है। देखिए
फिर भी नहीं खुल रहा है। अमन आज तो ये जीजा जी का भी वो हमारे 100 रुपीज पक्के हो गए हैं। हम 100 रुपीज नहीं पर 200 जीतेंगे, दोनों को 100-100 देने पड़ेंगे ना इसलिए। अब आप हार गए हैं, हार मान लीजिए। अमन आपका टाइम खत्म होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हार गए हैं मल। आप देखिए बॉटल ओपन ही नहीं हुई, देखिए इसमें से थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा। अगर किसी को लगता है कि ये फेक है तो नहीं, ये सच में ऐसी ही है। ये ना इतनी टाइट क्यों हुई है तुम्हें मालूम है? क्यों? ये पहले खुल गई है, फिर सोडा तुमने पी, फिर ढक्कन ऐसे बंद किया एकदम टाइटली, एकदम से फिर ऐसे ना ऐसे हिलाया। किया था मैंने ऐसा। फिर इसमें जो गैस होती है ना वो फुल गई, जमा गई अंदर, जम गई होगी ना, हाँ इसलिए वो बॉटल फुल गई, मोटी हो गई इसी वजह से। चलिए अब इसका कुछ इलाज नहीं होगा तो इसमें मैं कुछ करूंगी, वरना देखेंगे। चलिए अमन तुम्हें सोडा नहीं मिलेगी, ठीक है? 100 रुपये मिले? हाँ 100 रुपये तो दीजिए। हाँ अमन ने अच्छी बात बोली, चलिए दीजिए 100 रुपये। वो बाकी है ना 200-200 उसमें से काट ले। नहीं वो काटना नहीं, हम अभी चाहिए, देखिए 100 रुपये दे। मेरे पहले का 200 दो। आप झूठ क्यों बोलते हैं कि 200 मैं कभी कहाँ लेती हूँ, अमन भी नहीं लेता है, मैं भी नहीं। चलिए दीजिए हमारा एक गिफ्ट, हमारा इनाम दे दीजिए। वो तो है ही, वो सुबह मुझे माता ने दिया था, वो तो है। ये लीजिए आपका इनाम। अमन को नारियल, उसमें भी आधा खाया हुआ है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। चले तो ये छोटा सा हमारा मजाक था, मैंने ही बोला था कि चैलेंज, वैसे ढक्कन का मजाक नहीं था। अब इसे कैसे ओपन करूँ मुझे भी नहीं पता है। सिंपल सा, इसे ना वो पक्कर से या फिर अपने दांतों से। हाँ दांतों की मदद से खुल सकता है, कुछ करेंगे। चलिए अभी तो हेमल जा रहे हैं, अमन भी अभी थोड़ी देर में चला जाएगा और मैं, मेरा थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश करूंगी और हेमल हम आएंगे हाँ शाम के टाइम को वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए बाय 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 अमन। हे गाइस तो अभी हो गई है शाम और अभी शाम के ना 7 बजे है, 7:30 के आसपास का टाइम हुआ और अभी मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ और वापस से रेडी हो गई हूँ, बिकॉज जहाँ पे थेपले की सेलिंग हो रही है ना मैं जा रही हूँ वहाँ पे, अभी हेमल सब लोग वहीं पे है, सो मैं वहाँ पे जा रही हूँ और कोमल भाभी अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे लेने आने वाले है या सीधा वहाँ पे आने वाले है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अभी मैं उसे कॉल करके पूछूंगी। तो ऐसा सब कुछ है, तो चलिए अभी माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। और बाहर का तो क्या ही पर बोले, इतना प्यारा वो कहते हैं ना वाइब आ रही है ना, एक तरफ माता रानी के वहाँ पे हमारे घर के पास रांदल माँ की आरती स्टार्ट। चलिए तो जल्दी जल्दी से मैं भी माता रानी की पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ वहाँ पे। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और आज ना हम तीनों साथ में निकली है, कोमल भाभी, दीपिका भी, दृष्टि, पार्थ, ईशान सब बच्चों के साथ हम लोग निकले हैं। अभी वहाँ पे जाके बात करेंगे, ठीक है? चलिए अभी वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, हेमल है, तेजस भाई है, दीपिका अभी सब लोग हैं। हाय हेमल, क्या खा रहे हो? गुड इवनिंग। और दृष्टि वेफर खा रही है, क्या खा रहे हो दृष्टि? कौन सी वेफर है? क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ गए? हम लोग ना घर से निकले, फिर दो माता रानी के दर्शन करके फिर यहाँ पे आए, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। लगा कि हो गया, शाम हो गया। तो क्या है ना कि वहाँ पे गरबा स्टार्ट था, इसलिए वहाँ पे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है, वहाँ बहुत ट्रैफिक था। देखिए सुंदरी और अगरबत्ती दोनों बच्ची है, वो देखो क्या वो छुप गए। बस अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ वापस से घर पे, और जब हम लोग यहाँ से गए थे ना तो 3 माता रानी के टेम्पल पे हम लोग अभी शाम के टाइम को भी दर्शन करने गए थे, बट वहाँ पे अभी सब गरबा गा रहे होते हैं वैसा सब होता है, वो बहुत ज्यादा इतना रश था, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ अभी ब्लॉग नहीं किया है। और अभी मैं वापस से घर पे आ गई हूँ, कोमल भाभी, दीपिका भाभी और बच्चे भी सब लोग अपने अपने घर पे चले गए हैं। अब मैं जाऊंगी नीचे किचन में डिनर बनाने के लिए। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाकी